जैसे ही हाईकोर्ट का आदेश आया कि नगर निकाय का चुनाव होगा, जितने भी प्रत्याशी थे चुनावी मैदान में थे, चुनाव प्रचार उनका तेज हो गया। हम लोग अभी मौजूद हैं डेहरी के वार्ड नंबर 23 में और हमारे साथ मौजूद हैं सैफुल हक जी, इनकी भाभी चुनाव लड़ रही है, कुछ बात करेंगे मुद्दे पर। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत शिवजा जी, आपने न्यूज 9 को मेरे घर पर लेके आए, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नगर निकाय का चुनाव चल रहा है और जैसे ही हाईकोर्ट का आदेश आया सभी प्रत्याशी चुनावी जो होता है प्रक्रिया में लग गए हैं, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों के साथ चुनाव में आते हैं? मेरा मुद्दा देखिए, वार्ड में जो अभी स्थिति है, जैसे 10 सालों से सबसे पहले जो स्थिति है कि जो राशन कार्ड है, वैसे गरीब लोग जो बहुत ज़रूरतमंद हैं उनको अभी तो कुछ मिला नहीं है, जिनका राशन कार्ड था उनको राशन कार्ड कटवा दिया गया है। दूसरा मुद्दा है जो अभी तक जो ऐसे गरीब परिवार है जिनको आवासीय योजना का लाभ मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला है, और सबसे जो मेरा अहम मुद्दा है वो है फ्री लाइब्रेरी कोचिंग करवाना, बच्चों को ट्यूशन करवाना, हर मोहल्ले में CCTV कैमरा लगवाना हर कॉर्नर पे। मतलब मेरा मेन मुद्दा ये है कि बच्चा शिक्षित होगा तब आगे बढ़ेगा, जब तक ये शिक्षित नहीं होगा बच्चा क्या करे, कुछ नहीं करेगा। इस सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है 7 निश्चय योजना, खास करके उसको धरातल पर लोग अच्छे तरीके से नहीं उतार पाते, इस पर क्या करना है? इस पर देखिए, मेरा भी 7 निश्चय योजना है, ये नीतीश कुमार का नहीं, ये मेरा वाला योजना है, और ये पूरा योजना मैं 5 साल के अंदर अपने वार्ड में लाकर रहूँगा। और मैं आपको बता दूं कि जितनी भी योजनाएं हैं पूरे धरती पे आएंगी, ज़मीन पे आएंगी, और मैं अपने वार्ड को पूरे 39 वार्ड में वार्ड नंबर 1 बनाने की कोशिश। वार्ड नंबर 23 से आप चुनाव लड़ रहे हैं, अभी तक फिलहाल आपको क्या कमियाँ दिखती हैं जो आप जीतने के बाद इसको पूरा करेंगे? अभी सबसे पहले जो मुद्दा है बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था, जो लाइब्रेरी नहीं है वार्ड में। दूसरा जो सबसे अहम मुद्दा है को आपको बता दूं कि राशन कार्ड का, बहुत लोग ऐसे गरीब हैं जिनको अभी बहुत लोगों ने ऑनलाइन करवा के उनको रिसीविंग दे दिया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो सोच रहे कि वो हमारा राशन देंगे, राशन कार्ड का कोई अभी सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। दूसरा जो मुद्दा ये है कि देखिए, वार्ड में हर तरफ लाइट की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर आप कॉर्नर पर निकलते हैं बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत अहम जगह है जहाँ लाइट की व्यवस्था बहुत होनी है, वहाँ पर लाइटें नहीं है, वहाँ पर लाइट लगवाना है। आप लगातार समाज सेवी में काम करते रहते हैं, लॉकडाउन के समय में भी आपने काफ़ी लोगों को मदद किया था, अब चुनावी मैदान में आप हैं, लोगों से क्या उम्मीद रखते हैं? लोगों से देखिए, जो मैंने किया वो मैं उसको भूल गया हूँ, क्योंकि वो देखिए हमने खिदमत खल किया है उसका मुझे कोई लाभ नहीं लेना है। मैं लोगों से ये अपील करूँगा कि आप शिक्षित व्यक्ति को चुनिए, जो व्यक्ति आपके साथ हर कदम पर कदम मिला के खड़ा रहे, हर जगह पे आपका काम कराने के लिए तत्पर है, किसी भी ऑफिस में, जैसे मांडू मंडल में हो, ब्लॉक में हो, नगर पालिका में हो, थाना में हो, कहीं पे भी हो, आपका काम करा सके। ये वार्ड हमारा एक्चुअली महिला घोषित हुआ था, इसलिए मैंने अपनी बड़ी भाभी को खड़ा किया हूँ जिनका नाम सवई खातून है, और हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो वायुयान है जिसका क्रम संख्या 4 है, और मेरा मुद्दा बहुत अहम है और मैं उसी मुद्दों पर अपने लड़ रहा हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 23 के जितने भी मतदातागण हैं क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? मैं मतदातागण को यही संदेश देना चाहता हूं कि आप सोच समझ के अपना वोट कीजिए, 18 तारीख को सुबह अपना वोटिंग जरूर कीजिए, और हमारा जो चुनाव चिन्ह है वायुयान क्रम संख्या 4 है, और जो हमारी भाभी खड़ी सभी खाते उनको वोट दीजिए और मेरे हाथों को मजबूत कीजिए ताकि मैं आपकी जो 7 निश्चय योजना है आप तक ला के पहुँचा सकूँ। तो अभी आप सुन रहे थे सैफुल हक जी को अपने कैमरा पर्सन बबलू कुमार के साथ, मेरा नाम शिव कुमार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।